हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल किड्स इंग्लिश गुरु में स्वागत है। आज के लिए जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो है, जब आप व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह पे चैटिंग करते हैं तो उस समय आपको कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो आप बोलते हो, आप लिखते होंगे हिंदी में, तो उनको कैसे इंग्लिश में लिखना है ये मैं आपको आज बताऊँगा। मैंने कुछ सेंटेंस लिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे उसका नंबर भेज दो। जब आपको किसी को लिखना है मुझे उसका नंबर भेज दो तो आपको लिखना है सेंड मी हिज नंबर। ऑनलाइन आ जाओ, प्लीज कम ऑनलाइन। मेरा नेट खत्म हो गया है। आपका नेट खत्म हो गया है, आपको किसी को लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? आई हैव रन आउट ऑफ माई डेटा। मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए, आई नीड योर सम हेल्प। तुम ऑनलाइन कब आओगे? अब आप किसी को पूछ रहे हो कि आप ऑनलाइन कब आओगे तो उसको इंग्लिश में सिंपली आपको लिखना है व्हेन विल यू कम ऑनलाइन। अपनी डीपी बदल लो, ये अच्छी नहीं है। अब आपको किसी को कहना है कि अपनी डीपी प्रोफाइल पिक्चर बदल लो, ये अच्छी नहीं है, तो कैसे कहेंगे? चेंज योर डीपी, इट्स नॉट अ गुड वन। आपके पास मेरा फ़ोन नंबर है ना? यू हैव माई फ़ोन नंबर आई होप, ऐसे इसे इंग्लिश में कहेंगे। आजकल तुम ऑफलाइन रहने लगे हो। अब आप किसी को कहना चाहते हो कि आजकल तुम ऑफलाइन रहने लगे हो, ऑनलाइन नहीं आते हो, तो आप कहेंगे यू स्टार्टेड बींग ऑफलाइन दीज डेज। मुझे तुम्हारी प्रोफाइल फ़ोटो अच्छी लग रही, तो सिंपली आपको कहना है आई लाइक योर प्रोफाइल पिक्चर। क्या तुम कुछ कर रहे हो? अब आप किसी को पूछ रहे हो कि क्या तुम कुछ कर रहे हो, तो आपको कहना है आर यू डूइंग समथिंग। तुम कब तक ऑनलाइन रहोगे? हाउ लॉन्ग विल यू बी ऑनलाइन। क्या तुम्हारे पास कोई है? अभी आप पूछ रहे हो कि आपके आसपास कोई है, तो आप कहोगे इज एनीबडी अराउंड यू। खाना खाकर मुझसे बात करना, ये तो आप नॉर्मली कहते ही होंगे कि जब आप खाना खा लोगे तो मुझसे बात करना, तो आप इंग्लिश में कहोगे टॉक टू मी आफ्टर हैविंग फूड। मैं तुम्हें हमेशा ऑनलाइन देखता हूँ। अब आपको किसी को कहना है जो हमेशा आप देखते हो तो ऑनलाइन रहता है, तो आपको कहना है आई सी यू ऑनलाइन ऑल द टाइम। बाकी की फ़ोटो मैं बाद में भेजूँगा। अब आप देखते हैं ना कि कभी आप घूमने जाते हैं, बहुत सारी फ़ोटो क्लिक्स करवाते हैं, तो कोई आपका फ्रेंड होता है वो आपको बाद में व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजने के लिए कहता है मैं बाकी की फ़ोटो बाद में भेज दूंगा, तो उसको ऐसे लिखना है आई विल सेंड रेस्ट ऑफ पिक्चर्स लेटर। इस मैसेज को ग्रुप में भेज दो। अब आप लोगों ने कुछ ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप पे कुछ लोगों का, तो आपको एक मैसेज उस ग्रुप में भेजना है, तो आपको लिखना है सिंपली सेंड दिस मैसेज टू ग्रुप। मैं तुम्हें समय मैसेज कर दूंगा, मतलब मैं आपको टाइम मैसेज में बता दूंगा, तो आप कहेंगे आई विल टेक्स्ट यू टाइम। अब आपको कुछ किसी का लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है, आपको लिखना ये तुमने क्या लिखा है, तो आप लिखोगे व्हाट हैव यू रिटन इट। अब एक सेंटेंस आपको कहना है चलो बाद में बात करते हैं, तो आप कहेंगे लेट्स टॉक लेटर। अब आपको कहना है तुम मुझे कैसे जानते हो? किसी को आपको मतलब नॉर्मली नया मैसेज आ गया, वो आपके बारे में कुछ बात कर रहा है, तो आप उसको पूछना चाहते हो कि तुम मुझे कैसे जानते हो, तो आप कहोगे हाउ डू यू नो मी। अब एक सेंटेंस है तुम कब फ्री हो जाओगे, कब आप फ्री होंगे मुझसे बात करेंगे आप लोग, तो आपको लिखना है व्हेन विल यू बी फ्री। अब आप किसी को कह रहे हो मुझे मुश्किल से ऑनलाइन आने का समय मिलता है, मतलब आपके पास बहुत सारे काम है तो मुश्किल से आप ऑनलाइन आ पाते हो, तो आपको लिखना है आई हार्डली गेट टाइम टू कम ऑनलाइन। तो ऐसे ही आप लोग व्हाट्सएप पे जब बात करते हैं तो आप लोग हिंदी का काफ़ी यूज़ करते हैं, तो आपको मैंने आपको कुछ सेंटेंस बताए हैं इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश में इसको यूज़ करिए, क्योंकि लिखने में तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही, बोलने में अगर आप हेजिटेट करते भी हैं तो लिखने में आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, ऐसे ही आप धीरे धीरे इंग्लिश सीख पाओगे। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के साथ मैं आपको जल्द मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, विजिट अगैन।